और अब खबर सबसे पहले आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को बैठक होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी बैठक। वहीं बैठक में अखिलेश यादव के हिस्सा लेने पर संशय देखा जा रहा है। गठबंधन के शीर्ष नेताओं की ये चौथी बैठक होनी है। वहीं इससे पहले की 3 बैठकों में शामिल हुए थे अखिलेश। तो इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को बैठक होनी है। गठबंधन के शीर्ष नेताओं की ये चौथी बैठक है। वहीं इससे पहले हुई 3 बैठकों में अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे, लेकिन इस बैठक में यानी कि चौथी बैठक में अखिलेश के शामिल होने पर संशय। एमपी चुनाव में पैदा हुई रार पर बैठक में जाने पर संशय देखा जा रहा है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है 6 दिसंबर को। इंडिया गठबंधन की ये बैठक होगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की शीर्ष नेताओं की ये चौथी बैठक है। इससे पहले 3 बैठकों में अखिलेश यादव शामिल हो चुके हैं, लेकिन चौथी बैठक में अखिलेश यादव के हिस्सा लेने पर संशय। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को होनी है बैठक। इससे पहले 3 बैठकों में अखिलेश यादव ने लिया था हिस्सा। और जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब विजय, जिस तरीके से चौथी बैठक होनी है, शीर्ष नेताओं की ये बैठक, लेकिन इस बार अखिलेश यादव के जाने पर संशय देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जान चुके हैं कि राजनीतिक रूप से अगर इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करनी है तो थोड़ा उसमें कद मेंटेन करना होगा। इस बार बैठक की जहां तक बात निकल कर आ रही है, उसमें साफ देखा जा रहा है कि राम गोपाल यादव इस बैठक में शामिल हो सकते हैं अखिलेश के प्रतिनिधि के रूप में, और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राम गोपाल यादव इस बैठक में शामिल होंगे। और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव अब तक 3 बैठकों में शामिल हो चुके हैं और नतीजा अभी तक बहुत ज्यादा कुछ सकारात्मक नहीं रहा है। इसी को देखते हुए इस बार अखिलेश यादव ने इस बैठक से किनारा किया है और सपा के प्रतिनिधि के रूप में राम गोपाल यादव को आगे किया है। लेकिन सपा की प्रतिनिधि होते हुए भी सपा अपना दखल बनाए रखे, इसलिए भी वहां मौजूद सभी दलों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। इसीलिए माना यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ भी निर्णय निकल कर आ सकता है। बिल्कुल, देखिए बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन अखिलेश के जाने पर संशय देखा जा रहा है। इसके साथ ही ममता ने भी कहीं ना कहीं इस बैठक में आने को लेकर के इनकार कर दिया है, किसी भी तरह का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। और ऐसे में क्या कुछ भविष्य इंडिया गठबंधन का माना जाए? देखिए, गठबंधन का भविष्य गठबंधन खुद तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो अभी स्थितियां दिख रही है वो राजनीतिक रूप से गठबंधन के लिए अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।